क्या आपने अपने IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं और आपको रिकवरी करना नहीं आता है, उसको वापस लाना नहीं आता है भूला हुआ को, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। सो आज मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे आप जो है रिकवरी करेंगे, कैसे उसको वापस लाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जो IRCTC पे अपना अकाउंट को बना लेते हैं लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड जो है भूल जाते हैं। अगर वो उसको पासवर्ड याद रहता है तो यूजर आईडी भूल जाते हैं, अगर उसको जो है यूजर आईडी याद रहता है तो पासवर्ड भूल जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड जो है रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। अगर यही काम के लिए आप जो है दुकान वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ चार्ज कर देगा और वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि भैया आपको IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड जो है भूल चुके हैं, आपको जो है उसको रिकवरी करना नहीं आता है और आप जो है इसके बिना जो है टिकट भी बुक नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो है बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा किस तरीके से अगर आप जो है IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको आप कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएंगे। तो आपको इस वीडियो को भैया लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड को कैसे रिकवरी किया जाता है, कैसे उसको वापस लाया जाता है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक कम्प्लीटली जरूर बनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो इसको रिकवरी करने के लिए मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दोनों में सेम ही मेथड है। तो आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप, उसमें ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें आप टाइपिंग करेंगे IRCTC.co.in तो आपके सामने कुछ इस तरीके से IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। अब अपना IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड रिकवरी करने के लिए आप पहले वाले लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पॉपअप ओपन होके आ जाता है। अब सबसे पहले आप अपना यूजर आईडी को रिकवरी करेंगे तो यूजर आईडी रिकवरी करने के लिए आपको यूजर आईडी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ अब लिखा आ रहा है फॉरगेट यूजर आईडी, तो अब यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी वही डालेंगे जो आप IRCTC पे अकाउंट बनाने टाइम में दिए थे। अगर आपको ये जो ईमेल आईडी याद नहीं है तो फिर आप रिकवरी अपना यूजर आईडी नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है जो आप IRCTC पे अपना अकाउंट बनाने टाइम में दिए थे। तो आपको यहाँ पे वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ आपको कैलेंडर में से आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ दिए थे आप IRCTC के टाइम में बनाने टाइम में, वही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आप IRCTC में आप डेट ऑफ बर्थ दिए थे, तो वही आपको इसमें से जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको इसमें से चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपली आपको ये वाला कैप्चा है इसमें डालना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में, अगर समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे और जो भी कैप्चा आएगा वो कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद सिंपली यहाँ सबमिट वाले पे ओके करेंगे। अब यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि योर यूजर आईडी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी, और आपका ईमेल आईडी का शुरू का भी कुछ आपका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका नंबर है MA, इस तरीके से कुछ अंक आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना चेक कर लीजिएगा, कर लेना है कि आपका कौन सा ईमेल आईडी है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि मेरे ईमेल आईडी पे जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि यूजर आईडी है, तो मेरे ईमेल आईडी पे यूजर आईडी आ गया होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरा जो यहाँ पे आ गया है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए कि यहाँ यूजर आईडी और ये मेरा नाम यूजर आईडी ये मेरा है। तो इस तरीके से आपके ईमेल आईडी पे यूजर आईडी आ जाएगा।
पासवर्ड को रिकवरी करने के लिए आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको वही यूजर आईडी डालना है, तो आपको यहाँ पे वही यूजर आईडी डालना है जो अभी आपने रिकवरी किया है, या अगर आपका पहले से कोई यूजर आईडी याद है तो वो डालना है अगर आप पासवर्ड रिकवरी करना चाहते हैं। तो जैसे मैं पासवर्ड भी भूल गया, इसको रिकवरी किया तो यूजर आईडी मिल गया, तो मैं अभी यूजर आईडी रिकवरी किया हूँ तो वो यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको पहले से याद है तो वो डालना है। इसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, वही डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आप IRCTC में अकाउंट बनाने टाइम में दिए थे, वही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे डाल देता हूँ। यूजर आईडी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद या कैप्चा आपको इसमें डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे और जो भी कैप्चा आएगा आपको इसमें कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ नेक्स्ट वाले पे ओके कर देना है। यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन कोड इज सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, मतलब आपके जो है वेरिफिकेशन कोड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ये जो 3 अंक दिख रहा है इस पर आपको एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। चलिए मैं अपना OTP आपको दिखा देता हूँ जो मेरे ईमेल आईडी पर आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड OTP IRCTC की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है और ये मेरा 6 डिजिट का जो है OTP है। तो ये OTP आपको वहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है। तो ध्यान रहे कि आपको पासवर्ड जो है मिनिमम 8 करेक्टर और मैक्सिमम 15 करेक्टर का होना चाहिए। उसमें आपको जो है 1 कैपिटल लेटर, इसके बाद 1 स्मॉल लेटर और इसमें आपको नंबर होना चाहिए। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको इसमें स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो शुरू का आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इसके बाद कोई नंबर होना चाहिए। आपको यहाँ पर डाल देना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसके बाद दोबारा से जो पासवर्ड यहाँ डालेंगे दोबारा से यहाँ कन्फर्म कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद दोबारा से कन्फर्म कर दीजिए। कर देने के बाद ये कैप्चा है, आपको कैप्चा इसमें डाल देना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है, इस तरीका से आपको कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है। जो भी कैप्चा आएगा आपको कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद सिंपली यहाँ अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंग्रेचुलेशन, योर पासवर्ड हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक फॉर लॉगिन, मतलब आपका जो पासवर्ड है सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया है, अब आप लॉगिन हो सकते हैं। तो सिंपली यहां लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहां से आपने जो भी यूजर आईडी आपने क्रिएट किया है, आपने निकाला है, वापस लाए हैं, वो आपको यहाँ पे यूजर आईडी डाल देना है। जो पासवर्ड अभी आपने नया बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। स्मॉल में तो है स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना यूजर आईडी डाल दिया, ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये कैप्चा है कैप्चा मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ साइन इन कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे साइन इन पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम और मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है और मेरा अकाउंट भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं और अपने IRCTC में अकाउंट में आप लॉगिन हो सकते हैं। तो कोई भी ट्रेन को आप बहुत ही आसानी से अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे पटना दिल्ली डाल दिया, फिर सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेन को फाइंड कर देना है। फाइंड करते ही आपके सामने ट्रेन की पूरी इस तरीके से लिस्ट आ जाता है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपका अवेलेबल नॉट अवेलेबल ट्रेन सबका ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको बुक करना है सिंपली यहाँ बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एग्री का ऑप्शन है, एग्री करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यह ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ से फॉर्म आ गया। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को रिकवरी करके बहुत ही आसानी से आप IRCTC पे अपना जो टिकट है बुक कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो उसको आप कैसे रिकवरी करके कैसे आप दूसरा बना के आप जो है IRCTC पे कैसे लॉगिन हो सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।